व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन मुस्लिम गर्ल रिप्लाइंग पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर खान। तो इंडियन जो मुस्लिम लड़की है उसने क्या कुछ जवाब दिया है, आपको बताएं फिजा खान कौन है, जिसके ऊपर काफी रोज वीडियोज बनाते हैं भाई भी। तो देखते हैं, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय हिंद, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार मुझे फिजा अकबर खान पर वीडियो बनाना है। वो पाकिस्तानी एंकर है हमारे इंडिया के लिए। वो बोलती है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उन पर जुल्म हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं एज अ इंडियन मुस्लिम सिटीज़न मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहकर कैसा फील करती हूँ, क्या करती हूँ। मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं अलग ऐलान कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नजर आ रहा है कश्मीर में, नजर आ रहा है इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चले कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है, सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के नाम गलों पे छुरियां चला सकता है, मतलब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोहे जमीन पर नहीं हो। क्या चाहती हैं गाइस, दो शब्द लिख देना क्या चाहती हैं। नॉन इस्लामिक कंट्री जहां मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे प्रतिबंध है, रोजे रखने पर प्रतिबंध है, रमजान मनाने के लिए प्रतिबंध है, बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध है और दाढ़ी रखने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार में आप देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और लगभग सारे मस्जिदें वहाँ पर गिरा दी गई है। ये है नॉन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर ये हालत है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी एंकर जो फिजा अकबर खान है उनको सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का दिखता है। आगे भी मैं बता रही हूँ, आगे भी नोट डाउन कीजिए। नंबर पर आता है जापान। जापान में तो इस्लाम ही पूरा बैन है, इस्लाम प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर, और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना भी कानूनन गुना है, अपराध है, वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और कोई भी ऐसे, मतलब कोई भी देश अगर परेशानी में है या उन पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर वो मुसलमान है तो वो जापान वाले उनको अपने देश में आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, उन पे प्रतिबंध है, ये बैन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को चेतावनी दे दी गई है कि आप यहाँ के कानून मानो या फिर देश छोड़ो। उन पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को मानना होगा, बेफालतू में कुछ भी करना नहीं है, अपने मनमानी से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो भी है उसको मानो या फिर देश छोड़ो। ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं मिलता। अगले नंबर पे देखिए क्या है। 6वें नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है एंड उनसे नफरत करता है। 6ठे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है कि मुसलमान का नाम सुनते ही एयरपोर्ट पे उनका पूरा तलाशी लिया जाता है, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता है, मतलब खास करके ग्रीन पासपोर्ट देख के तो और भी उन्हें नंगा कर दिया जाता है। तो ये है इज्जत, और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनकी आज़ादी ही नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो फिजा अकबर खान, आप कहाँ हो? आपकी तो कोई चलेगी नहीं क्योंकि आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, राइट? तो आपकी भी इज्जत उतर जाएगी वहाँ जाओगे तो, आपको आपका अंडरवेयर भी चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पर, इतना कड़ा रूल है, रेगुलेशन है वहाँ पर, खास करके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और कड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। इज़राइल मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और ईंट का जवाब पत्थरों से देता है, वो इतना ख़तरनाक है, सब डरते हैं उससे। और फिर लास्ट नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही है, वहाँ पर बुर्का बैन किया गया है, मस्जिदों में भी चेकिंग करके भेजा जाता है, हर एक जगह उनको चेकिंग किया जाता है, तब जाकर उनका कुछ काम आगे बढ़ता है। मतलब मुस्लिम लोगों का कंडीशन इतना, आज़ादी छीन लिया गया है। ये नॉन मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, अब मैं करूँगी बात मुस्लिम कंट्री की, वहाँ पर हालात कैसे हैं।
हम बात करते हैं इस्लामिक कंट्री की। इस्लामिक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम कैसे रहते हैं? आपको क्या लगता होगा कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश है, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा झुंड में है तो बहुत ज़्यादा एकता है उनमें? नहीं, आपकी ये गलत फहमी। तो पहले नंबर पर मैं एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आए दिन हर साल दंगे होते हैं सुन्नी शिया के बीच में। वहाँ पर अहमदिया मुस्लिम का कत्ले आम कत्ल किया जाता है हर साल। वहाँ पर 4,000 से भी ज़्यादा सुन्नी शिया के बीच में लोग मरते हैं, अहमदिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है कंडीशन इस्लामिक कंट्री का। सेकेंड कंट्री का नाम है अफगानिस्तान में रोज़ाना वहाँ पर बमबारी होती रहती है। वहाँ पर फुल मेजॉरिटी मुस्लिम की है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भी हमेशा बम धमाके होते रहते हैं। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे वहाँ पर लोग मरते रहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम ही मरते हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ इराक का ले लो, इराक में भी बहुत सुन्नी शिया को लेकर बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बम गिराया जाता है, उनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। तो मुस्लिम मुस्लिम को ही मार रहे हैं, तो ये इस्लामिक कंट्री का कंडीशन। रोहिंग्या मुस्लिम इतना, बर्मा के मुस्लिम इतना परेशान रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम कंट्री में तो उनकी हालात ठीक है, एटलीस्ट खुद चैन और शांति से अमन से जी तो रहा है, पर इनका इस्लामिक कंट्री में तो डायरेक्ट मौत दी जा रही है। तो इतना खतरनाक सिचुएशन है उनका। अब मैं आती हूँ इंडिया के मुसलमानों पर। फिज़ा अकबर खान, ये वीडियो आप ही के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैं बना रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए बना रही हूँ। और आपको रिप्लाई देते हुए कि हम यहाँ पर कैसा फील करते, कैसा लगता है हमें, हम कैसे रहते, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिज़ा अकबर खान जो पाकिस्तान की एंकर है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान है, उनकी हालात बहुत ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान है तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे जो सैफ अली खान हैं वो बॉलीवुड के किंग ना होते। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और मोहम्मद शमी खेल रहे नहीं होते, उनको सर आंखों पर नहीं बिठाया जाता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो हिंदुस्तान में राफेल आया है, जो हाल ही में आया है अगस्त इसी मंथ में, तो वो हिलाल अहमद जी को नहीं दिया जाता, उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि वो राफेल को उड़ा सके। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम पायलट को ज़रा भी चांस नहीं देते कि तुम देश जाओ के और प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुस्लिम, और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही, तो हिंदुस्तान में 30,000 से भी ज़्यादा मदरसे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हिंदुस्तान में 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद और मदरसे हमारे हिंदुस्तान में है। अगर मुसलमानों को इक्वल राइट और हक नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाते, उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार, बट नहीं, उनके भी आस्था को मद्देनजर रखते हुए उनको भी इक्वल हक दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक्वली बैठ के पढ़ाया जाता है, जो हिंदू को पढ़ाया जाता है, जो सिख को पढ़ाया जाता है, जो ईसाई को पढ़ाया जाता है, वो मुसलमानों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलती है, उनको रोजगार दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको हमारे देश के नौजवान ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमें अब्दुल कलाम जैसे भगवान के रूप में इंसान मिलते हैं, जो हमारे देश के नाम को ऊंचाई पर पहुंचाते, बुलंदियों पर पहुंचाते। तो अब मैं बात करती हूँ पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इतने लोग परेशान है कि इंडिया से हेल्प मांग रहे,
हर सांस में बलूचिस्तान के, हर सांस में, हर चीज़ में हिंदुस्तान का नाम बसा है। हिंदुस्तान से हेल्प मांगते हो और आप लोग बोलते हो हमें कश्मीर चाहिए, आप लोग बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे काय का परेशान है, हर जगह इक्वालिटी का हक दिया गया है। मैं खुद हूँ, मेरे देश में बुरका बैन नहीं है, बुरका पहनो, कुछ भी करो, इतना हक है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम, ये संविधान है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिज़ा अकबर खान, आपके देश में हिंदुओं की कोई मान्यता है, हिंदुओं की कोई सुनता है? नहीं, हमारे देश में हर एक लोगों का सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्युलरिज्म है, सिक्युलरिज्म है, सब सिक्युलर के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपका इस्लामिक कंट्री है, आप इस्लामिक कंट्री में आप लोग किसी को इज्जत नहीं देते हो, अदर कम्युनिटी के कास्ट को। आपके देश के मौलाना जो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी हिंदू है वो उनके जूती की नोक में है, तो आप लोग ये इज्जत रखते हो। और हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गले मिलकर हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव होता तो यहाँ पर अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बना के दिया जाता, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनको अलग से बना के नहीं दिया जाता, अलग से मदरसे नहीं दिए जाते, अलग से मुस्लिम स्कूल नहीं दिए जाते, जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। उर्दू लैंग्वेज भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे हिंदुस्तान की खास बात ये है कि हर किसी का त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, हम पूरे देशवासियों को हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट छुट्टी दी जाती है। तो ठीक है, तो फिज़ा अकबर खान, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक सच्ची हिंदुस्तानी शेरनी ने आपको दिल खोल कर जवाब दिया और प्रीति के साथ बता रही हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गाइस जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और ये बहुत बढ़िया जवाब दिया है, पहली बात तो, और रिस्पेक्ट के साथ। इसके बाद तो उन्होंने एक तरह से खुद को शर्माया जानी चाहिए कि तुम वहाँ के मुस्लिम ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुम्हें है कि एक मुस्लिम नहीं, इंडियन। पहली बात ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, अभी वो एक इंडियन है, ठीक है, एक इंडियन तुम्हें जवाब दे रहा है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, कि मैं इस कास्ट से हूँ तो मैं किस तरीके से कंडीशन में रिलीजन से हूँ। हाँ, तो मैं यार देखो ना कि एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं है, जॉब्स में कोई भेदभाव नहीं है, आप अपने त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं, नेशनल हॉलीडे होता है, हर चीज होती है। कहते ना थोता चना बाजे ऐसा कुछ वो है, पाकिस्तान का वो हाल है, हम हर चीज में से बस हम ये करते हैं। बताता हूँ वहाँ की जनता में दिक्कत नहीं है, वहाँ की जो मीडिया है और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और जो आर्मी, वो पता है कि कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, वो ये देखते हैं कि मीडिया में व्यूज किससे ज्यादा आएंगे, उसी से आएंगे कि भला बुरा कह दो तो लोग, और क्योंकि पॉलिटिक्स में जब कोई आता है क्या कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो इस तरीके से चाइना में मतलब इस्लाम को लेकर हमने एक वीडियो देखी ना, एंटी इस्लामिक वो उनका कोई रूल कुछ ऐसे करके है, ठीक है, लेकिन चाइना को बोलेगा नहीं ना, चाइना के कर्ज में दबा पड़ा है, वही चीज़ तो उनके खिलाफ भी न्यूज़ नहीं बनाएंगे। उनके तो पैर पकड़ने को तैयार है, पैर धोने को तैयार रहता है, जो ऐसे पड़े रहते हैं उनके पैरों में। चड्डी बनियान भी दी थी, हाँ वो दिए थे, हाँ लेडीज दिए थे, वही ना कि सही बताऊँ उसका ही है, जो पैसे दे दे बस उसका। हमने सरकारें जो बंदे ने बोला था कि पाकिस्तान अब एक काम है, पैसे दो काम करो, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम उनकी पॉलिटिक्स है उसके बारे में, उनकी जो आर्मी की जो थिंकिंग है और साथ ही साथ उनकी जो मीडिया की थिंकिंग है, वो आम लोग नहीं करते यार। बाढ़ आई थी, इतना कुछ हुआ था वहां, तो उन लोगों के लिए बेचारों के लिए मदद पहुंचाई गई, लेकिन वो मदद ही खा गए, मदद पैक करके रख रखी थी और वही मदद आगे भेज दी। गजब, आपका पॉइंट व्यू इस बारे में जरूर दोस्तों बताना। बाकी अगर कोई इंडिया से कोई मुस्लिम भी देख रहा है तो अपना पॉइंट व्यू जरूर शेयर करना। बाकी जितना हो सके वीडियो भी शेयर कर दे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।